हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटेटिव वर्ड नॉलेज में आपका स्वागत है। सो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th पॉलिटिक्स का सेकंड चैप्टर। सो पार्ट नंबर थर्ड है। सो चैप्टर का नाम है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे लास्ट पार्ट है। सो आज हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। सो पार्ट नंबर थर्ड में हम मेनली डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो फर्स्ट यहाँ पे है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो डीपीएसपी मतलब यहाँ पे टोटल कितने ये लेटर्स हैं, टोटल चार लेटर्स हैं। सो इसलिए आप याद रख सकते हैं कि पार्ट फोर में आता है, ठीक है। सो डीपीएसपी पार्ट फोर में आता है। जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स किए थे वो पार्ट नंबर थ्री में आते थे, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। सो डीपीएसपी उसके जो नेक्स्ट पार्ट होगा पार्ट नंबर फोर। तो यहाँ पे जो आर्टिकल्स होंगे 36 से लेके 51 तक ये आर्टिकल्स होंगे। सो यहाँ पे जो डीपीएसपी, ये हमने कहाँ से बोरो किया है, ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो आयरलैंड कंट्री है वहां से हमने ये बोरो करा है। सो बेसिकली यहाँ पे डीपीएसपी में आपको कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे देखने को मिलेंगी जो संविधान में यहाँ पे मेंशन की हुई है। सो यहाँ पे ये जो गाइडलाइंस ये दी गई है, ये लोगों के कल्याण के लिए दी गई है कि लोगों के लिए हमें कैसे काम करनी चाहिए। अगर कोई भी गवर्नमेंट आती है, अब जैसे कोई स्टेट में गवर्नमेंट आती है, उसने क्या क्या काम करनी है, क्या क्या उनकी जिम्मेदारी है, ये सब कुछ कहाँ पे लिखा हुआ है, ये डीपीएसपी में लिखा हुआ है। मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, डायरेक्शन देना जो भी इनके प्रिंसिपल्स या काम होते हैं स्टेट्स की, ठीक है। क्या क्या इन्होंने पॉलिसी बनानी है, ये सभी जो काम होते हैं ये डीपीएसपी में मेंशन होते हैं। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो सरकारें होती है वो इलेक्शन से पहले अपने मैनोफेस्टो जो तैयार करती है, ठीक है, वो कहाँ से करती है, वो यहाँ पे जो बातें लिखी गई है डीपीएसपी में, इन्हीं को देख के वो अपना मैनोफेस्टो है जो वो तैयार करती है। क्लियर है? सो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया मिल चुका होगा कि डीपीएसपी में एक्चुअल में होता क्या है। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये याद रखने वाली है कि अगर तो ये जो गाइडलाइंस होती है ये लीगली इन्फोर्सेबल बिल्कुल भी नहीं होती है। मतलब कि अगर तो गवर्नमेंट अपना काम सही वे के साथ नहीं कर रही है, ठीक है, यहाँ पे जो पर्टिकुलर गाइडलाइंस है उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, तो हम यहाँ पे कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि कोर्ट को हम बोलेंगे कि यहाँ पे सरकार को फटकार लगाए कि वो पर्टिकुलर पॉलिसी तैयार नहीं कर रही है या इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, हम कोर्ट में नहीं जा सकते। अब जैसे हमने देखा था लास्ट में पार्ट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड में, जो हमने डिटेल में देखा था फंडामेंटल राइट्स। सो अगर फंडामेंटल राइट्स को सरकार या कोई भी इंडिविजुअल अगर तो इनको वायलेट करता है, तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो आप लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। ये आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। हमने डिटेल में इनके बारे में देखा था पार्ट नंबर टू में। तो यहाँ पे हम कोर्ट में नहीं जा सकते, यहाँ पे इनको एनफोर्स करवाने के लिए, लागू करवाने के लिए ये जो गाइडलाइंस या पॉलिसी है, सो इसलिए इनको नॉन जस्टिसेबल बोला जाता है, ये जो गाइडलाइंस होती हैं। सो यहाँ पे जितनी भी वीडियो, आपको वीडियो को फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्लास 11 की कोई भी आप वीडियो उठा के देखोगे उसके नीचे आपको इस वे का यहाँ पे दिखेगा, शो मोर का ऑप्शन होगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको क्लास 11 की सभी प्लेलिस्ट यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अगर आप कंप्यूटर के ऊपर या मोबाइल के ऊपर भी चला रहे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। सो सभी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 11 की। तो नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट डू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कंटेन। अब यहाँ पे जो डीपीएसपी में होता क्या क्या है एक्चुअल में, ठीक है, यहाँ पे जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि सोसाइटी इसे अडॉप्ट करेगी, ठीक है, कुछ गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सोसाइटी के लिए। कुछ यहाँ पे अधिकार दिए गए हैं इंडिविजुअल्स के कि वो इंजॉय कर पाए इन अधिकारों को, ठीक है, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के अलावा, ठीक है, यहाँ पे डीपीएसपी में भी कुछ अधिकार दिए गए हैं लोगों को, ठीक है, ये भी हम आगे डिटेल में देखेंगे। सो यहाँ पे कुछ पॉलिसी दी गई है, सो गवर्नमेंट उन्हें अडॉप्ट करती है, लागू करती है लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के वेलबींग्स के लिए, यहाँ पे वो इन्हें अडॉप्ट करती है और इम्प्लीमेंट करती है। अब क्या क्या आता है डीपीएसपी में, जैसे कि जमींदारी एबोलिशन बिल, ठीक है, ये लागू करने, नेशनलाइज बैंक्स, इनेक्टेड न्यूमरस फैक्ट्री लॉ जो बनाने होते हैं इन्हें, फिक्स्ड मिनिमम वेज, कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज वर प्रमोटेड, रिजर्वेशन ऑफ एससी एंड एसटी, राइट्स टू एजुकेशन, फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, राइट टू वर्क अंडर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, मिड डे मील स्कीम, ये जितने भी काम होते हैं ये सभी डीपीएसपी के अंडर आते हैं,
क्लियर है। सो ये सभी यहां पे इनके ऊपर काम करती है, कौन, जो सरकारें होती हैं। सो नेक्स्ट यहां पे मूव करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पे गोल्स देखते हैं क्या क्या गोल्स हैं। तो यहाँ पे जो सरकार के गोल्स क्या होते हैं कि वो लोगों के कल्याण के लिए काम करेगा, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस उन्हें दिलाएगा लोगों को, ठीक है। ये आर्टिकल 38 में मेंशन है। तो चाहो तो आप यहाँ पे आर्टिकल्स मेंशन कर सकते हैं, ये यहाँ पे मैंने सभी आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। लेकिन अगर जब आप यूपीएससी के अगर स्टूडेंट्स हो तो यहाँ पे जो आर्टिकल 1 से लेके 51 तक, ठीक है, यहाँ पे और 51A है यहाँ पे जो फंडामेंटल ड्यूटीज तक, यहाँ पे जितने भी आर्टिकल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। उसके बाद भी कुछ आर्टिकल्स हैं वो मैं आगे बताता रहूंगा, अदरवाइज जब हम यहाँ पे यूपीएससी की डिटेल में यहाँ पे क्लासेस कंटिन्यू करेंगे तब आपको यहाँ पे मैं इसके बारे में बताऊंगा, क्लियर है। सो नेक्स्ट है यहाँ पे रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज हैं सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, कि ऐसे नहीं किसी के साथ भेदभाव किया जा रहा है। कि यहाँ पे लेट्स सपोज कि यहाँ पे एक सोसाइटी है जो इलाइट सोसाइटी है, यहाँ पे उच्च वर्ग की सोसाइटी है, और एक यहाँ पे गरीब लोगों का तबका है। सो ऐसे नहीं होगा कि यहाँ पे जो पानी, यहाँ पे रिसोर्सेज है जैसे वाटर, वो यहाँ पे अमीर जो लोग हैं इनको ही प्रोवाइड किया जा रहा है और यहाँ पे जो गरीब लोग हैं इनको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, ठीक है। ऐसे जो कुछ बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा आर्टिकल 39 में। आर्टिकल 39 में एक्चुअल में बहुत सारी बातें कही गई हैं, इसमें और भी बहुत कुछ है, जैसे राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज आ जाएगा, वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, प्रिवेंशन सॉरी प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सेबल अब्यूज। सो ऐसी यहाँ पे बहुत सारी बातें जो कही गई हैं आर्टिकल 39 में, लेकिन यहाँ पे कुछ हमने आर्टिकल 39 की जो बातें हैं वो आगे भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सो आगे हम देखेंगे, क्लियर है। सो इसके बाद यहाँ पे और गोल्स क्या है, यहाँ पे प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, यहाँ पे शांति बना के रखना, ठीक है, अदर कंट्रीज के साथ भी। सो ये आर्टिकल 51 में मेंशन किया गया है। उसके बाद क्या क्या पॉलिसीज हैं जो इनके द्वारा यहाँ पे इंप्लीमेंट करी जाती है। फर्स्ट है यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड, यहाँ पे सभी इक्वली समान यहाँ पे माने जाएंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है, अलग अलग जैसे जेंडर के रिगार्डिंग या सेक्स, ठीक है। सो ऐसे यहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाएगा जैसे रिलीजन बेसिस के ऊपर जैसे किया जाता है। सो ये आर्टिकल 44 में आता है, ठीक है। सो याद कैसे रख सकते हैं, जैसे 44 मतलब कि दोनों क्या है यहाँ पे इक्वल है, सभी को यहाँ पे इक्वली ट्रीट किया जाएगा, सो आर्टिकल 44 में मेंशन किया गया, ठीक है। सो ऐसे आप जब तक यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं बनाते हैं इनको, तब तक यहाँ पे ये आर्टिकल्स याद नहीं होने वाले हैं। सो जब हम यूपीएससी की स्टार्ट करेंगे वीडियोस तब यहाँ पे आपको मैं इनके ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे आप आर्टिकल्स को याद रख सकते हो। अभी क्लास 11th में इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप लिखना चाहो तो एग्जाम में लिख सकते हो, प्लस पॉइंट्स हैं आपके लिए। सो नेक्स्ट है यहाँ पे प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ एल्कोहलिक लिक्वर, तो यहाँ पे जो शराब का सेवन किया जाता है, ठीक है, इसके ऊपर रोक लगाई गई है। उसके बाद प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर ऑफ यूजफुल कैटल, सो आर्टिकल 48 में मेंशन किया गया है। प्रमोशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40 में मेंशन किया गया है। सो ये सभी क्या है, पॉलिसीज हैं जो इनके द्वारा लागू की जाती है। अब उसके बाद यहाँ पे नॉन जस्टिसेबल राइट्स क्या क्या हैं, जैसे एडिक्वेट लिवलीहुड, ठीक है, सभी को रोजगार देना आर्टिकल 39 में किया गिवन है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन आर्टिकल 39, जैसा कि मैंने पहले बोला था कि आर्टिकल 39 में बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, जो मेंशन की गई है संविधान में। उसके बाद है यहाँ पे राइट अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, यहाँ पे जो शोषण किया जाता है यहाँ पे आर्थिक तौर पर, ठीक है, उस यहाँ पे ये भी अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 46 के अकॉर्डिंग, राइट टू वर्क 41 के अकॉर्डिंग, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स, सो आर्टिकल 45 में मेंशन किया गया है कि यहाँ पे एजुकेशन का जो अधिकार होगा वो दिया जाएगा। तो नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ पे, सो नेक्स्ट है यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या हैं सिटीजन की, सो इंपॉर्टेंट है ये भी। सो 1976 में 42nd अमेंडमेंट यहाँ पे किया गया था संविधान में। सो इसमें यहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए थे, बहुत बड़ा यहाँ पे चेंजेस किए गए थे एक्चुअल में 42nd अमेंडमेंट, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। सो
तो यहाँ पे जो अमेंडमेंट किए गए थे इसमें एक नया पार्ट ऐड किया गया था, जैसे पार्ट फोर्थ ए, ठीक है। सो पार्ट नंबर जो फोर में क्या है, डीपीएसपी, ठीक है। सो जो पार्ट फोर ए है, सो इसमें क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे जैसे कोई भी आर्टिकल होता है, जैसे लेट्स सपोज कि आर्टिकल 21A है, ठीक है। यहाँ पे अगर आर्टिकल 21A यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में जो लिखा जाता है, ए बी सी डी व्हाटएवर, इट मींस यहाँ पे ये संशोधन करके, मतलब अमेंडमेंट करके ये बाद में ऐड किया गया है जब संविधान बनाया गया था, ठीक है। अगर तो यहाँ पे कुछ भी ए बी सी कैपिटल लेटर्स में पाए जाते हैं, सो इनका ये मतलब होगा कि ये अमेंडमेंट करके बाद में ऐड किए गए हैं। अब जैसे कि यहाँ पे जो पार्ट नंबर 4A है, 4A ये बाद में ऐड कर किया गया है संविधान में। सो यहाँ पे आर्टिकल, सिर्फ एक आर्टिकल आता है इसके अंदर, आर्टिकल 51A। तो ये कहाँ से बोरो किया हुआ है, ये यूएसएसआर से बोरो किया हुआ है। सो यूएसएसआर पहले था, ठीक है, 15 कंट्रीज का मिलके बना हुआ था, लेकिन बाद में ये दिसंबर 1991 में ये डिसइंटीग्रेट हो गया था। सो अलग अलग सभी यहाँ पे, जैसे कंट्री रशिया अलग हो गया था, ठीक है, बहुत बड़ी कंट्रीज थी और भी बहुत सारी कंट्रीज थी। सो ये भी हमने क्लास 12th में आपको देखने को मिलेगा, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स का सेकेंड चैप्टर होगा। सो सभी यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं वीडियो, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नोट्स के साथ सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड जाएगा। तो पहले यहाँ पे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी, लेकिन बाद में एक ड्यूटी और ऐड की गई थी इसमें। अब आज के समय में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है। सो जो 11th ड्यूटी थी वो क्या थी, ठीक है, याद रखना, क्योंकि ये बाद में ऐड की गई थी इसमें। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, मतलब जो 6 से लेके 14 साल तक के बच्चे हैं उन्हें फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। सो ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2002 हुआ था उसमें इसको ऐड किया गया था। अब इसमें यहाँ पे क्या क्या बातें लिखी गई हैं, अब जैसे हमें जो हमारा संविधान है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो हमारा नेशनल एंथम है उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, नेशनल फ्लैग हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो आप लोगों का जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है कि नेशनल एंथम हमारे कंट्री का क्या है और ये कब एडॉप्ट करा गया था, ठीक है, और नेशनल फ्लैग, सो इसके बारे में भी आप लोगों ने बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में, ये कब एडॉप्ट करा गया था, ठीक है। आज के यहाँ पे ये दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताने हैं, सो आपकी भी रिवीजन हो जाएगी। सो नेक्स्ट है यहाँ पे डिफेंड अवर कंट्री, जब भी हमें जरूरत पड़ती है, जैसे लेट्स सपोज कि किसी कंट्री के साथ हम वॉर हो जाती है, तो उस समय हमें यहाँ पे देश की सुरक्षा के लिए जाना होगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि हम घर बैठे और देश, यहाँ पे जो हमारे जवान है, सैनिक है, वो लड़ रहे हैं, ठीक है, उनकी हमें मदद करनी होगी। सो हमें अपनी कंट्री को डिफेंड करना होगा। सो हार्मनी यहाँ पे प्रमोट करनी होगी अमंग ऑल सिटीजन्स, मतलब कि तालमेल बना के रखना है, सभी के साथ अच्छे रिश्ते यहाँ पे होने चाहिए, प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। सो ऐसी बहुत सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं फंडामेंटल ड्यूटीज में। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे डीपीएसपी था, ठीक है, डीपीएसपी क्या था, नॉट जस्टिसेबल था, मतलब कि हम कोर्ट में नहीं जा सकते थे। सिमिलरली अगर तो यहाँ पे इनका यहाँ पे वायलेशन होता है तो हम यहाँ पे कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ये भी क्या है, नॉन जस्टिसेबल है। अब जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या है, वो जस्टिसेबल है, मतलब कि अगर कोई भी उनको वायलेट करता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी, इन दोनों के रिगार्डिंग हम कोर्ट में बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं, क्लियर है। ये जस्ट हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटीज होती है कि हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और जो भी यहाँ पे बातें कही गई है उनको हमें मानना चाहिए, ठीक है, ये होती है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो आई होप आपको समझ में आया होगा फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। अब यहाँ पे हम डिफरेंस देख लेते हैं, लास्ट टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। पहला डिफरेंस है कि यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेके 35 तक ये गिवन है, जो डीपीएसपी ये पार्ट 4 में गिवन है आर्टिकल 36 से लेके 51 तक, ठीक है, 51 तक ये गिवन है। सो यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स है ये क्या है, नेक्टिव इन नेचर होता है, ठीक है, नेक्टिव इन द सेंस, मतलब कि यहाँ पे ये सरकार के ऊपर रोक लगाता है कि उन्हें कौन कौन सी चीजें यहाँ पे नहीं करनी है, क्लियर है। और लेकिन यहाँ पे जो डीपीएसपी है ये क्या, एक पॉजिटिव वे में इसे लिया जाता है, मतलब कि स्टेट्स को यहाँ पे कोई भी रोक नहीं होती कि उसने यहाँ पे ये काम करने हैं या नहीं करने हैं, ठीक है, वो उनकी मर्जी है। अब ऐसे तो है नहीं कि जैसे
जैसे कोई भी पर्टिकुलर काम है कि वो करना है लोगों के लिए, अब यहाँ पे सरकार के पास रिसोर्सेज भी होने चाहिए उस काम को करने के लिए। सो ऐसे में सरकार के यहाँ पे कोई भी प्रोहिबिशंस नहीं होती, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती कि उसने ये पर्टिकुलर काम करना है या नहीं। क्लियर है? सो यहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं कुछ चीजों को लेके फंडामेंटल राइट्स में, और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा दी जाती हैं। तो यहाँ पे जो ये फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं जो राइट्स होते हैं इंडिविजुअल्स के। और यहाँ पे जो डीपीएसपी ये काम करता है लोगों के कल्याण के लिए, लोगों यहाँ पे सोसाइटी की वेलफेयर के लिए काम करता है डीपीएसपी। तो यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये क्या है, यहाँ पे जस्टिसेबल है, मतलब कि अगर इसे अगर तो इनकी वायलेशन की जाती है, अगर इनकी उल्लंघना की जाती है तो हम कोर्ट में आसानी से जा सकते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। और ये क्या है, यहाँ पे नॉन जस्टिसेबल होते हैं, मतलब कि अगर तो यहाँ पे इनकी वायलेशन की जाती है तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज के रिगार्डिंग। जो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स होते हैं कोर्ट इन्हें डिक्लेयर कर सकती है ये वायलेटिव इन नेचर, ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को। अगर तो ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स है कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर तो उसे नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है, उसे डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो यहाँ पे कोर्ट एक्शन ले सकती है और इसे खत्म कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को, अगर कोई भी ऐसे कानून बनाती है पार्लियामेंट। और यहाँ पे डीपीएसपी में यहाँ पे जो कोर्ट है वो कोई भी यहाँ पे इंटरफेयर नहीं कर सकती सरकार के मामले में, ठीक है, और ना ही इन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है। क्लियर है? सो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। सो कंप्लीट चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो चुका है। सो इसके साथ ही यहाँ पे आगे की जो सीरीज होगी वो हम कल से यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे रेगुलरली। सो यहाँ पे अगर आपको पीडीएफ फाइल्स चाहिए तो बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर मिल जाएंगी। सो यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन होगी वो नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सो ज्यादा से ज्यादा अपने आसपास सफाई रखें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों को ग्रीन इंडिया की तरफ मूव करना, यही हमारा लक्ष्य है। सो जय हिंद, हैव अ फैंटास्टिक डे।